बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर में 10 अक्टूबर बुधवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वाधान में शहर के जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जीवन ज्योति अस्पताल में कानूनी साक्षरता मिशन के अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विशेष विधिक साक्षरता कैंप का आयोजन जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार यादव के दिशा निर्देशानुसार किया गया। अस्पताल के निदेशक एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति मलिक की अध्यक्षता में आयोजित स्पेशल कैंप में उपमंडल विधिक सेवा समिति के सदस्य सत्येंद्र बंगिया ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। उन्होंने अस्पताल के सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित आम जनों से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि प्रतिवर्ष पूरे विश्व में 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1992 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाएं इससे ज्यादा प्रभावित हैं। आज के दौर में हर 4 में से एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में जीवन ज्योति अस्पताल की निदेशक एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति मलिक ने कहा कि मानसिक बीमारी व्यक्ति के महसूस, सोचने एवं काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। यह रोग व्यक्ति के मनोयोग, स्वभाव, ध्यान और संयोजन। अभी आपने सेमिनार किया है तो उसके बारे में आप बताइए। आज 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और ये 1992 से मनाया जाता है और इस साल का 2018 का थीम है यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। क्योंकि आजकल जो हमारा 10-20% युवा वर्ग जो है, एडोलेसेंट ग्रुप है, वो डिप्रेशन का शिकार है और इनफैक्ट ग्लोबली अगर हम देखें विश्व भर में डिप्रेशन एक नौवें स्तर पे पहुंचा हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़े, एक भारी भार है हमारे सोसाइटी के ऊपर और WHO कहता है कि कंप्लीट जो हेल्थ है इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट अ एब्सेंस ऑफ डिजीज़। इसका मतलब सिर्फ बीमारी होना ही हेल्थ नहीं है, उसमें हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है और सोशल वेलबींग बहुत ज़रूरी है। तो इसको देखते हुए आज हमने इस सेमिनार रूम में अपने स्टाफ के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ और हमारे सारे पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स, जो भी इस हॉस्पिटल में आया, हमने आज उनको एक मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, या मेंटल डिजीज़ क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, इरिटेबिलिटी, एंगर, डिप्रेशन, अटेंशन स्पैन कम होना, इस सब को कैसे हम डिस्ट्रिक्ट के कमेटी के मेंबर हैं। तो आज आपने मेंटल डे पे यहाँ सेमिनार किया है जे हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा? आज हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एक्शन प्लान के मुताबिक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष में हमने जीवन ज्योति के सभागार में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया है। यह दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इसमें हमारा बहादुरगढ़ और हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज भी इसका भागीदार रहा। इसमें हमने लोगों से मानसिक बीमारियों से होने वाले नुकसानों के बारे में, उनके कारणों के बारे में और किस तरीके से उनसे निदान पाया जा सकता है, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसके बारे में भी हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर ज्योति मलिक जी ने बहुत ही सटीक जानकारी दी। सभी को इस बात के लिए प्रेरित किया कि इस प्रकार की बीमारियों को समाज में ज़्यादा ना पनपने दें, क्योंकि इसका अभी नौवां स्थान है डिप्रेशन का। हर आदमी आजकल डिप्रेशन में चल रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेस है, उसकी जीवन शैली जिस तरीके की है उस तरीके से वो दबाव महसूस करता है। तो ये दिवस हमारा मनाने का उद्देश्य यही था कि हम लोगों को इस स्ट्रेस से, इस दबाव से बाहर निकालें, उनको एक अच्छा वातावरण दें, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, जो कि सभी नागरिकों का हक है। तो उसी के तहत आज हमने जीवन ज्योति अस्पताल में ये सेमिनार आयोजित किया। आज आपने जीवन ज्योति हॉस्पिटल क्यों चुना? ऐसा कुछ नहीं था कि हमने जीवन ज्योति हॉस्पिटल को ही चुनना था, ये कहीं भी हम कर सकते थे, क्योंकि ये जो इसकी जो बीमारी है इसके बारे में